बंद हो गया है, अब हम लोग यहीं पे फोटो खिंचा रहे हैं। कुछ देखिए इसका शक्ल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि मतलब यहाँ मतलब कोलकाता आएंगे तो फिर कुछ कुछ जगह को एक्सप्लोर करेंगे। सो फाइनली हम लोग रेडी वगैरह हो चुके हैं और अभी निकलने वाले हैं। मतलब निकल ही गए हैं बोलिए, मतलब हम लोग गाड़ी वगैरह सब कुछ ले चुके हैं और अभी हम लोग पहला मतलब फर्स्ट जा रहे हैं काली मंदिर एंड उसके बाद फिर निकलेंगे विक्टोरिया मेमोरियल। सब तो कहाँ कहाँ जाएंगे सब जगह का आप लोगों को बताते जाएंगे एंड ठीक क्या क्या होता है तो आप लोगों से सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो मिलते हैं कुछ देर में, बाय। सो गाइस, हम लोग काली मंदिर पहुंचने वाले हैं, जस्ट पहुंच ही गए हैं। मैं बता दूं कि आप लोगों को वहां का वीडियोस या फिर फोटोज़ नहीं दिखा सकती हूं, मैं बाहर का मतलब थोड़ा मोड़ा दिखा सकती हूं क्योंकि वहां पे अलाउड नहीं है। सो फिलहाल तो हम लोग गाड़ी खड़ा वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद फिर अभी निकलेंगे और वहां का वीडियोस नहीं दिखा पाएंगे, बस स्टार्टिंग कर रहे हैं जर्नी तो दर्शन लेना सोचे कि हम लोग दर्शन वगैरह ले लेते हैं फिर आगे निकलेंगे। तो फिर वहाँ जाते हैं, कुछ कुछ अगर जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगी, फिर मिलेंगे आप लोग से। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, देखिए क्या होता है आगे। अभी तो मतलब अलाउड है नहीं, बट जितना तक हो सके दिखाते हैं। लेट्स सी, बाकी सब कोई है। देखिए पंडित भी पीछे पीछे आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पूजा वूजा कराना है तो कुछ कुछ पैसा लगेगा, बट हम लोग को ऐसा कुछ कराना नहीं है, बट दर्शन वगैरह करके बस निकलना है। देखते हैं, अंकल भी बोले हैं कि वैसा कुछ करना नहीं है तो लेट्स सी क्या होता है। गाइज आप देख सकते हैं किधर छोटे छोटे स्टॉल सब है जहाँ पूजा वूजा का सारा सामान मिलता है। अगर आप कभी आओ तो यहाँ से सारा सामान ले सकते हो, बट हम लोगों को तो बस दर्शन करना है इसीलिए हम लोग ऐसा कुछ ले नहीं रहे हैं। बहुत सारा स्टॉल है मंदिर के पास में, देखिए निकल रहे हैं हम लोग। तो गाइज हम लोग मंदिर का दर्शन करके आ गए हैं एंड अभी निकलते हैं, लंच वंच कर लेते हैं, पहले बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। सो फिर देख सकते हैं कि कितने लोग आए हैं यहाँ पे पूजा वूजा करने के लिए, तो मिलते हैं उधर बाहर में क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं मतलब मंदिर का दर्शन वगैरह करके। सो अभी हम लोग कुछ लंच वंच करते हैं, इतने ही में थक गए हैं, पता नहीं आगे क्या हो। सो गाइस हम लोग संत पॉल चर्च आ चुके हैं, अब संत पॉल कैथेड्रल है और यहाँ का है टिकट का दाम है 10 रुपये करके पर पर्सन और यहाँ पार्किंग वगैरह का 50 रुपीज़ ले रहा है। इसके बाद जस्ट बगल में विक्टोरिया मेमोरियल भी है, वहाँ पे भी हम लोग जाने वाले हैं। तो पहले यहाँ वाला संत पॉल कैथेड्रल को देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। यू कैन सी द लोकेशन गाइस, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। मेरे कैमरा में भी पूरा कैप्चर नहीं हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा सा जगह है। यहाँ पे कुछ लेट देखते हैं, घूमेंगे फिरेंगे फिर उसके बाद विक्टोरिया तरफ निकलेंगे, तो देखते हैं कैसा है क्या है। काफ़ी मस्त है, देख गरिमा देख रही है मुंह बना के, देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है कुछ लेट देखते हैं, फोटोज़ वगैरह लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फिर आप उससे मिलेंगे। संत पॉल कैथेड्रल पे आ चुके हैं और मैं यहाँ का थोड़ा मोड़ा हिस्ट्रीज को रिसर्च करके आई थी, तो मतलब बोला जाता है कि ये वाला जो चर्च है या फिर जो है इसको 1939 पे बनाया गया था, और 1939 पे बनाया गया था मतलब बनाने में इसको लगभग बहुत से साल लग गए थे और ये कंप्लीट हुआ था 1947 में। और इसको बनाने में उस वक्त के ज़माने में जो पैसा लगा था वो लगा था 4,25,000 या 35,000 कुछ लगा था इसको बनाने में। सो यू कैन सी कि वो कितना ब्यूटीफुल है एंड बहुत ही मतलब अंदर जाने से आई थिंक बहुत ही पीस मतलब महसूस होगा। तो हम लोग अंदर जाते हैं, बट उससे पहले आप कुछ कुछ यहाँ का वीडियोस देख लीजिए, यहाँ का लुक देख लीजिए, कितना अच्छा है।
और काफ़ी सुंदर सा जगह है और यहाँ पे हम लोग घुसते हैं, फिर वहाँ का एक्सपीरियंस आप उसे शेयर करेंगे। आप लोगों को ले जा सकती हूँ, उसके अंदर फ़ोन वोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो देखते हैं वहाँ का मतलब अंदर में कैसा फील होता है, कितना पीस है, वो सब एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। फोटोज़ एंड वीडियोस कुछ अलाउ नहीं है, सो यू कैन सी कितना अच्छा। As you can see कि यहाँ का कितना मतलब अच्छा सा बिल्डिंग सब लग रहा है, काफ़ी अच्छा सा जगह है, मज़ा आ गया यहाँ का करके। सो अभी हम लोग जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल, वहाँ का मतलब वहाँ पे घूमते हैं, वहाँ तो अलाउड है सब चीज़, तो वहाँ का भी कुछ कुछ घूमेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा क्या है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग संत पॉल चर्च से निकल चुके हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाँ देखो पीछे के व्यू आप देख सकते हैं। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ बड़ा हो गया क्या? अभी हम लोग जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल, देखते हैं वहाँ का कैसा है। ठीक है मिलते हैं। अच्छा सो गाइस हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल वाला गली में आ गए हैं, इधर से मतलब जाने का रास्ता है, जस्ट ये वाला जगह है और आप पीछे देख सकते हैं कि जुम्बू इंसान अकेला अकेला मटक मटक के खा रही है, शर्माने का बस बहाना कर रही है, दिखावा कर रही है। अभी कैमरा होने नहीं इसलिए। हाँ वैसे कर रही है कैमरा होने से लिए, अभी यही जगह होता तो पूरा चौड़ में खाती। तो गाइस देखते हैं कि आगे जाते हैं कैसा है। देखिए इसको देखिए चौड़ में खा रही है खाली, और किसी को दे भी नहीं रही ना, कैसी लड़की है। उसके बाद बोलेगी कि हम नहीं देते हैं। हाँ, ना कुछ नहीं। समझ आएगी, देख रहे देख रहे। सो गाइस एज यू कैन सी कि ये पार्क पूरी तरह बंद है और हम लोग का पोपट हो गया है पूरी तरह। यहीं के लिए तो कितना दिन से इंतजार कर रहे थे, बट क्या ही कर सकते हैं, बंद हो गया, बंद हो गया है। बोला जा रहा है कि 15 से 17 बंद है, कल अगर बस बाहर घूम सकते हैं, म्यूजियम भी बंद रहेगा, तो क्या करें देखते हैं। कुछ लेट अपने को बाहर से कुछ कुछ वीडियोस दिखा देते हैं। तो गाइस बंद हो गया है, अब हम लोग यहीं पर फोटो खिंचा रहे हैं। कुछ देखिए इसका शक्ल, देखिए गाइस रो रही है बेचारी, इसी चीज़ के लिए आई थी, बहुत ख़राब लग रहा है। लेकिन खोल दो यार, नहीं तो फांद वांद के चल जाते हैं क्या, वहाँ फोटो खिंचाएंगे फिर आ जाएंगे। ऐसा मारेगा कि कभी जिंदगी में फिर कोलकाता का रास्ता नहीं देख पाएंगे हम लोग। हमें मार चलो क्या करे यार, बहुत बहुत खराब लग रहा है कि ऐसे बंद हो गया है। देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अभी तो पूरा तरह बंद कर दिया है और कल भी खुलने का कोई गारंटी नहीं मिल रहा है, और कल का कहीं हम लोग कहीं और का भी प्लान है, तो अगर गारंटी भी दे देता तो आते, लेकिन वो भी नहीं दे रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इतना खुशी से आए थे यहाँ के लिए। हाँ सो गाइस क्या ही कर सकते हैं, इसका शक्ल देखिए, मेरा तो शक्ल उतर गया है भाई, भाई इसका शक्ल उतर गया है। कोई नहीं गरिमा, बहुत बुरा लग रहा है, फिर से लेके आएंगे तुमको। नहीं आएंगे, इस जगह इसी चीज़ के लिए तो आए थे क्या। चलो चलते हैं और कहीं और का देखेंगे। Oh,
सो गाइज अभी हम लोग विक्टोरिया से वापस इधर आ चुके हैं। यहाँ का एकदम पार्क स्ट्रीट बोला जाता है। जस्ट हम लोग इंडियन म्यूजियम के पीछे खड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे इंडियन म्यूजियम घूमेंगे, पार्क स्ट्रीट है और क्या बोलते हैं यहाँ पे न्यू मार्केट है, न्यू मार्केट में घूमेंगे और फिर मेट्रो मेट्रो सिटी में जाएंगे। मेट्रो में कभी बैठे बैठे नहीं है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा होगा वो भी आप लोग से बताएंगे। फिलहाल तो पहले इंडियन म्यूजियम घुसते हैं, लंच वंच करेंगे, फिर आप लोग से मिलेंगे। अगर वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड है तो फिर आप लोगों को वहाँ का कुछ कुछ वीडियोज़ वगैरह भी दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ इंडियन म्यूजियम। सो गाइस अभी हम लोग मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। इंडियन म्यूजियम हम लोग नहीं घुसे क्योंकि वहाँ पे वीडियोज़ भी अलाउड नहीं था, तो इसीलिए हम लोग नहीं किए। मेट्रो भी फर्स्ट टाइम है तो वो पहले घूम लेते हैं, एक दो स्टेशन जाएंगे, उसके बाद फिर आके फिर न्यू मार्केट के वीडियोज़ बनाएंगे। तो पहले मेट्रो जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ कैसा है क्या है, अभी गए नहीं है। गाइज़ आप देख सकते हैं कि मेट्रो में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, इसी वजह से हम लोग अंदर नहीं घुसे और बाहर ही से छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स वगैरह ले लिए। सो आप इसी से इन्जॉय कीजिए। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिलहाल अभी और एक पार्ट है वीडियो का जिसमें न्यू मार्केट में जितना भी शॉपिंग्स वगैरह करूँगी या फिर जो भी खरीदूँगी वो सबका सारा आपको वीडियोज़ उसमें मिलेगा, वो पार्ट में मिलेगा, तो उसका सेकेंड पार्ट आएगा तो मैं उसमें वीडियोज़ बना रही हूँ। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, मतलब पूरा एंड नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड पार्ट वहाँ डालेंगे। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ पे पता चलेगा कि आपको कम प्राइस में क्या क्या चीज़ मिलेगा। तो बहुत ही यहाँ पे प्राइस कम में बहुत कुछ मिलता है, तो वो सबका वीडियोज़ वहाँ पे डालेंगे। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। अभी के लिए बाय।